दिल्ली में कूड़े से बिजली बनने की दिशा में केजरीवाल सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। दरअसल गाजीपुर मंडी से निकलने वाले कूड़े से बिजली और खाद बनाने के प्लांट का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। गाजीपुर के फल और सब्जी मार्केट से करीब 10 टन कचरा आता है। इन दोनों ऑर्गेनिक कचरे को मिलाकर यह प्लांट पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्लांट से 1500 यूनिट बिजली पैदा होगी। प्लांट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कचरा प्रबंधन के लिए आने वाले कुछ सालों में इस तरह के कई छोटे छोटे प्लांट बनाने की जरूरत है। ऐसे प्लांट बनाए जाने के बाद रोजाना निकलने वाले कचरे को कूड़े के पहाड़ों पर नहीं डालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कचरे को रिसाइकिल किया जाना चाहिए, खाद में बदलने, बिजली पैदा करने या ईंट भट्टों में उपयोग होना चाहिए। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखने में आ रहा है कि चारों तरफ बहुत कूड़ा ही कूड़ा रहता है। दिल्ली के अंदर कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। गाजीपुर मंडी में लगाए गए प्लांट की तरह बहुत सारे प्लांट पूरी दिल्ली में लगाने की जरूरत है। यह छोटा सा प्लांट है, 15 टन कूड़ा कुछ भी नहीं होता है, उससे 1500 यूनिट बिजली रोज बनेगी। उद्घाटन के वक्त मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली में कूड़े से बिजली बनाने के लिए प्लांट की शुरुआत की गई है। यह जो सब्जी मंडियों का कूड़ा है, मुर्गा मंडी का कूड़ा है, इससे बिजली बनाने के प्लांट की शुरुआत हुई है। इससे बनी बिजली अब दिल्ली में घरों को भी रोशन करेगी और साथ साथ इस प्रयास से जो कूड़ा आसपास फैलता था उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। यह पहला प्रयोग है जो किसी भी मंडी में शुरू किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस प्लांट के उद्घाटन के मौके पर कहा है कि गाजीपुर के अंदर मुर्गा और मछली मार्केट के साथ साथ सब्जी और फल मार्केट से जो कूड़ा और कचरा पैदा होता है उसको बिजली और खाद में तब्दील करने के लिए ये प्लांट लगाया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली में बढ़ता कूड़ा सरकार और नगर निगम के लिए एक गंभीर समस्या है, जिसके निस्तारण को लेकर कदम उठाए जाने की जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी दिशा में केजरीवाल सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।